हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, कि क्योंकि आप अपने इस कीमती समय को निकाल के आप मेरे इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल पे आए हैं। ठीक है, तो बहुत ही चीज़, जब आप यहाँ पे अब आई गए हैं तो कुछ चीज़ें ले के जरूर जाइएगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल की क्लास होने वाली है, बहुत ही ईजी वे में, और पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम इस लेक्चर में कवरअप करने वाले हैं। शायद ही आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन नॉन उससे छूट पाए। ठीक है, शायद ही, ठीक है, मैं 100% की गारंटी ले रहा हूँ। वैसे मैं पूरी टॉपिक्स कवरअप करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं चलने वाला, पूरी फुल्ली डिटेल्स आप लोग को हर एक चीज़ की मिलने वाली है। ठीक है, तो आप इस पे आ गए तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और गारंटीड के साथ उस पर लिख लीजिए कि ये चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएगी। अगर नहीं इन केस आती है तो आप उसका इलाज मैं आपका लिए करूँगा जरूर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर आप बताते हैं कि चीज़ें सर ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन ये नहीं आया, तो उसका इलाज किया जाएगा। ठीक है, चलिए, इलाज किया जाएगा मतलब फिर से नई वीडियो बनाई जाएगी यार। ठीक है, इलाज मतलब कुछ और नहीं किया जाएगा। चलो, तो उसके बाद मैं टॉपिक का नाम आपको पता ही होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डाल दीजिए टॉपिक, क्लास टेंथ का ये चैप्टर है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालिए आप लोग अपने कॉपी पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल, ठीक है, चलो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स की। हेडिंग डाल दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी पे हेडिंग डाल दिए होंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। तो बहुत ही इजी वे में स्टार्ट करते हैं और बहुत ही मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। आपका मैं बहुत ही शुक्रिया करता हूँ ताकि आप इस चीज को देख के समझ पाए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक, पहले फर्स्ट रिएक्शन में बात करता हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी की। देखिए, जिसका आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो ना, उसी का रिएक्शन होगा बच्चों। अगर मैं आपको नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ तो भाई दूसरा कोई क्यों आएगा यहाँ पे? नॉन मेटल की अगर मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ तो नॉन मेटल का ही रिएक्शन होगा। चलो, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे NM मीन्स नॉन मेटल। नॉन मेटल का रिएक्शन बच्चों हम ऑक्सीजन के साथ करा दें। ये ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से बच्चों? फ्रॉम एयर। एयर से आपको O2 ऑब्टेन हो जाएगा। अब जब नॉन मेटल का रिएक्शन O2 के साथ होगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ होगा बच्चों, तो देखो क्या मिल जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन। बच्चों दूसरी बात, नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। ठीक है, तो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ बच्चों रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बना देगा, जिसका जिसकी नेचर जो होती है बच्चों एसिडिक होता है। नेचर कैसा होता है? एसिडिक ऑक्साइड होगा। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, एसिडिक ऑक्साइड, देखिए लिख दिया मैंने, आप भी अपने कॉपी पे एज इट इज नोट डाउन कर लीजिएगा। चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए कि अगर कोई नॉन मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो नॉन मेटल ऑक्साइड देगा, जिसका नेचर बच्चों नॉन मेटल ऑक्साइड का कैसा होता है? एसिडिक होता है। अगर मैंने, देखिए चीजें मैं आपको बता चुका हूं मेटल वाले में, कि जब मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होता था तो मेटल ऑक्साइड मिलता था, पहली बात। दूसरा, उसका नेचर जो होता था वो बेसिक ऑक्साइड होता था। क्या होता था? वो बेसिक ऑक्साइड होता था। चलो, उसके बाद यहां के कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो इस कॉन्सेप्ट में बच्चों नॉन मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। चलो, एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझते चलते हैं हम लोग। मैं कार्बन में बच्चों डाल देता हूं ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन है ये अपना, कार्बन में ऑक्सीजन डालेंगे बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड मींस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बन तो गया, ये कैसा होगा? एसिडिक ऑक्साइड होगा। क्या होगा? ये एसिडिक ऑक्साइड होगा। चीजें समझ रहे हो क्या मैं लिखना हूं बोर्ड पे? देखो, ये कार्बन है, उसका रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ करा दिया तो मुझे क्या मिला? नॉन मेटल ऑक्साइड मिल गया।
अगर बच्चों इस नॉन मेटल ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो देन एसिड विल ऑब्टेन, ठीक है। अगर इस एसिडिक ऑक्साइड को CO2 प्लस H2O लिख दूं बच्चों, यहां पे L होगा लिक्विड स्टेट में, तो क्या मिल जाएगा, ये कार्बोनिक एसिड मीन्स कार्बोनिक एसिड मीन्स क्या आपको यहां समझ में आ रहा है कि अगर नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हम पानी के साथ करा दें, है ना, व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर देन एसिड ऑप्टेन, आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, एसिड। कोई बात ही नहीं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, चीजों को मैं एकदम इजी वे में बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं ले लेता हूं बच्चों सल्फर। सल्फर में मैं फिर से ऑक्सीजन डालता हूं तो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों एसिडिक ऑक्साइड होता है, क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। इसके नीचे चाहे तो आप लिख सकते हो ये एसिडिक ऑक्साइड है, क्या है बच्चों, एसिडिक मैं लिख देता हूं यहां पे एसिडिक ऑक्साइड। अब क्या करिए, एसिडिक ऑक्साइड में वाटर डाल दीजिए, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड में मैंने वाटर डाल दिया, देन सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 विल बी फॉर्म। मींस कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में मैं बता रहा हूं आपको, समझिए। अगर कोई नॉन मेटल का रिएक्शन बच्चों, कोई किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन बच्चों अगर ऑक्सीजन के साथ होता है देन नॉन मेटल ऑक्साइड विल बी फॉर्म, इतना बोलिए फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। वो नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा, क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। पहली दूसरी बात पर समझ में आ गया। तीसरी बात कि जब उस एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डाल दिया जाए ना देन एसिड विल ऑब्टेन, तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, एक एसिड मिल जाएगा। ये देखिए कार्बोनिक एसिड मिल गया, यहां पे बच्चों सल्फ्यूरस एसिड मिल गया। इसी तरीके से आपको कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बहुत से नॉन मेटल्स हैं, आप नॉन मेटल रखते जाइए और तो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइए और आप नॉन मेटल ऑक्साइड पा जाइए, मींस एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डाल के आप एसिड भी पा सकते हैं, ठीक है। बोलो कोई डाउट हो तो यहां तक आप पूछ सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड क्या है, एक एसिड है। उसी के बाद बच्चों ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, मैं सेकेंड प्रॉपर्टी यहां पर लिखता हूं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिएगा, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, दिखता हूं कैमरे में दिख रहा, ठीक है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिख दिया। देखो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो नॉन मेटल रिएक्शन करेगा। चलो नॉन मेटल का मैं क्या करता हूं बच्चों इस बार कि मैं नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करा देता हूं। चलो वाटर के साथ मैंने करा दी। अगर मैं नॉन मेटल का रिएक्शन बच्चों वाटर के साथ, और एक चीज और समझ लीजिए कि नॉन मेटल का रिएक्शन मैं डाइल्यूट एसिड के साथ, किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ करा दो, दो चीज एक ही, दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी कवरअप हो जाएगी अभी आपकी दो मिनट के अंदर, ठीक है। कि नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ और नॉन मेटल का ही रिएक्शन बच्चों डाइल्यूट एसिड के साथ, मींस डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी एसिड आप ले लीजिए, या तो नॉन मेटल को पानी में डाल दीजिए, देन नथिंग हैपन, कुछ होगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा। बात को समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि अगर नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ विल नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ बनेगा ही नहीं। चीजों को माइंड में सेट करिए कि नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नॉन मेटल ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। चीजें समझ में आ रही है, बहुत ही इजी वे में मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ना तो नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ना ही नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ करेगा। जरा समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए आप इस चीज का कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नॉन मेटल ना तो ऑक्सीजन, ना तो वाटर के साथ, ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ। आपको मैं बता दूं कि जो नॉन मेटल होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं कि लूज करते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब रही बात वाटर में, H2O का फॉर्मूला है वाटर का, ठीक है। जब कभी कोई नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा या कोई नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो होता क्या है यहां पे कि उस वाटर के मॉलिक्यूल में से वो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करा पाता, ठीक है। कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन आयन जब रिलीज ही नहीं हो पाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा नहीं, हाइड्रोजन गैस बच्चों आपका निकलेगा नहीं। चीजें समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नहीं देते हैं ताकि हाइड्रोजन वाटर से रिलीज हो पाए, ठीक है।
वाटर में से हाइड्रोजन को निकालने के लिए नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, देन हाइड्रोजन आयन जब नहीं निकला तो हाइड्रोजन गैस बनेगा भी नहीं। चीजें समझ रहे हो, कितने अच्छे से बता रहा हूं मैं। तो नॉन मेटल्स जो है वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं, नॉन मेटल्स जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी नहीं। बात को समझो, डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन क्यों नहीं होता है? जब नॉन मेटल डाइल्यूट के साथ जाएगा तो वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन आयन निकाल नहीं पाएगा। जब हाइड्रोजन आयन निकल नहीं पाएगा देन हाइड्रोजन गैस डज नॉट ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन, कुछ नहीं होगा। कोई नॉन मेटल अगर आप डाइल्यूट एसिड में डाल दो ना तो कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। सल्फर ले लो, फॉस्फोरस ले लो, ये चीजें को नॉन मेटल में इसमें डालो डाइल्यूट एसिड में, नथिंग हैपेंड। चीजें समझो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो नॉन मेटल को खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो तो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, वो इलेक्ट्रॉन देगा कहां से? ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन देता तब तो वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन आयन निकलते, जब हाइड्रोजन आयन निकलते तो हाइड्रोजन गैस भी निकलता। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, ताकि अगर दे देते ना तो रिड्यूस हो जाता, तभी क्या होता वो वाटर में से हाइड्रोजन क्या होता, फटाफट हाइड्रोजन आयन निकलता, देन हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, इस वजह से ना तो वाटर के साथ ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ इसका रिएक्शन होगा। समझ में आ गया कैसे मैं इस चीजों को बता रहा हूं? मतलब धीरे धीरे करके हमने तीन प्रॉपर्टी कवरअप कर लिया, यानी कि नॉन मेटल वाटर के साथ नो रिएक्शन, यहां पे आप लिख दीजिएगा नो रिएक्शन, यहां पे भी लिखेंगे नो रिएक्शन। ठीक है, ये देखो इजी वे में मैं बता रहा हूं आपको, कितने भी चीजें इसको नोट डाउन कॉपी में करिए कि क्या मैं बता रहा। ठीक है, तो चलिए इसको आप तीन प्रॉपर्टी तो नोट करिए, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ की मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी फोर्थ, नॉन मेटल की बच्चों मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ तो नॉन मेटल रिएक्शन करेगा, इतनी तो दिमाग में भरी गई होगी अब तक। चलो नॉन मेटल्स को इस बार बच्चों आप डाल दीजिएगा, किसमें डालेंगे नॉन मेटल का रिएक्शन बताइए, इस बार किसके साथ करा दिया जाए बताइए आप लोग। तो नॉन मेटल का रिएक्शन इस बार बच्चों किसके साथ हम कराने वाले हैं, आप इस बात को हमें बता दीजिए। तो नॉन मेटल का रिएक्शन हम करा देते हैं बच्चों सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, किसके साथ? सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन होने जा रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी फोर्थ में पढ़ा रहा हूं कि नॉन मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, मैं नॉन मेटल की जगह क्या ले लूं आप बताइए, क्लोरीन ले लेता हूं, मैं क्या ले लेता हूं, क्लोरीन गैस ले लेता हूं। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन की जगह NaBr मैं ले लेता हूं, सोडियम ब्रोमाइड है और ये क्लोरीन गैस है, सोडियम ब्रोमाइड है और ये क्या है बच्चों, क्लोरीन गैस है। ठीक है, होता क्या है इसमें कि जो मोर रिएक्टिव होता है, कौन है ये इसमें मोर रिएक्टिव, क्लोरीन इज द मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। मोर रिएक्टिव वाला क्या करेगा, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स जो होगा लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन से, एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये Cl क्या करेगा, इसको हटा के NaCl बना देगा बच्चों। ठीक है, और प्लस Br2 रिलीज हो जाएगा, ये आपका एक तरीके से कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, कि प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ बहुत ही सिंपल था कि किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन से कराते हैं, किसके साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है ना वो सॉल्ट सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव वाले को हटाएगा और उसका जगह ले लेगा, यही आपका होगा। ये देखो क्लोरीन जो है ना मोर रिएक्टिव है देन ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन को क्या करता है, क्लोरीन डिस्प्लेस करता है, उसका जगह लेता है और ब्रोमीन विल आउटसाइड। ठीक है, ब्रोमीन बाहर हो जाएगा, एक तरीके से क्या होगा, डिस्प्लेस हो जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया था ना, वही चीजें यहां पे हो रही हैं। तो समझ में आ गया प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में से लेस वाले को मोर वाला क्या करता है बच्चों, डिस्प्लेस कर देता है, देन प्रॉपर्टी ये आपकी थी फोर्थ वन। चलो प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल को इस बार बच्चों हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, नॉन मेटल का रिएक्शन बच्चों मैं क्लोरीन के साथ करा देता हूं, डायरेक्ट इस बार क्लोरीन के साथ करा दीजिए, कोई भी नॉन मेटल ले लीजिए आप, कौन सा नॉन मेटल लेना चाहेंगे आप मुझे बताइए। ठीक है, नॉन मेटल हम लोग ले बताइए। ठीक है, नॉन मेटल का रिएक्शन जब आप क्लोरीन के साथ कराते हो बच्चों तो बनता है नॉन मेटल क्लोराइड,
नॉन मेटल क्लोराइड, मैं नॉन मेटल की जगह ले लूं H2 प्लस Cl2 तो अपना है ही, यहां पे लिख लीजिए नॉन मेटल क्लोराइड, नॉन मेटल क्लोराइड विल बी फॉर्म। चलो मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो नॉन मेटल क्लोराइड बच्चों कोवेलेंट क्लोराइड होता है, कोवेलेंट क्लोराइड होता है। मैंने एक चीज पढ़ाया था, जब मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होता था तो आयनिक क्लोराइड बनता था, क्या बनता था आयनिक क्लोराइड। बट यहां पे बच्चों क्या होने वाला है कि नॉन मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा तो नॉन मेटल क्लोराइड बनेगा, मींस कोवेलेंट क्लोराइड होगा। चलो H2 का मैं Cl2 के साथ रिएक्शन करा दूं तो HCl बनेगा बच्चों, HCl अपना ये नॉन मेटल क्लोराइड भी है और ये कोवेलेंट क्लोराइड भी है। चीज को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन अगर हम करा देते हैं क्लोरीन के साथ, किसी भी नॉन मेटल का रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन के साथ, देन नॉन मेटल क्लोराइड विल बी फॉर्म। नॉन मेटल क्लोराइड बच्चों कोवेलेंट क्लोराइड होता है। कोवेलेंट क्यों बोला जा रहा है, ताकि देखो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देना लेना तो है नहीं, यहाँ पे शेयरिंग कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग HH जैसे नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बनता है। ये चीजें मैं बहुत ही क्लियर कट बता चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में, ठीक है। नहीं समझ में आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं, जो चीजें आप देख रहे हो बहुत ही ईजी में वे में मैं बता रहा हूँ, खुद ही उसको दिमाग में स्टोर हो जाएगा आपके, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको और ईजी वे में इसको मैं समझा सकूं। इस बार बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फास्फोरस को ही क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। चलो फास्फोरस का बच्चों P4 में स्टेबल है, चलो सल्फर S8 में होता है, दिमाग में रख लेना सल्फर S8 में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस P4 में। चलिए फास्फोरस में हम क्लोरीन डाल दें, देन PCl3 विल बी फॉर्म। PCl3 समझ लो, फास्फोरस की तीन वैलेंसी हो गई, क्लोरीन की एक हो गई, क्लोरीन की एक ना, तो फास्फोरस का रिएक्शन 1 के था तो P1 हो गया और Cl3 हो जाएगा, तो PCl3 आपका ये मैंने बना दिया। चलो तो समझ में आ रहा है, PCl3 जो है ये कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट क्लोराइड है। कोवेलेंट क्लोराइड समझ में आ रहा है क्या होता है कि ये नॉन मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा तो कोवेलेंट क्लोराइड बनेगा, और कोवेलेंट क्लोराइड ही क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल क्लोराइड होता है। चीजें समझ में, दो दो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं। एक देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी तो हो गया, मैं एक लास्ट प्रॉपर्टी आपको बताता हूं कि हाइड्रोजन के साथ ही करा दिया जाए। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन देन फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्राइड HYDRIDE हाइड्राइड बना देगा, ठीक है हाइड्राइड बना देगा। चीजें समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। चलो कोई नॉन मेटल ले लीजिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कोई नॉन मेटल क्या लिया जाए यहाँ पे। चलिए इस बार हाइड्रोजन ले लेते हैं, देखो हाइड्रोजन के साथ तो करा नहीं है तो सल्फर ले लो ना नॉन मेटल की जगह, मैं सल्फर ले लेता हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो बच्चों जब इनका रिएक्शन होगा तो H2S बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये नॉन मेटल हाइड्राइड तो है, बट कोवेलेंट हाइड्राइड भी यही होता है। क्या होता है ये कोवेलेंट हाइड्राइड भी यही होते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड HYDRIDE अच्छो ये हाइड्राइड होते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मैं, कि जब कभी कोई भी नॉन मेटल का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ हो तो वो नॉन मेटल हाइड्राइड बनाएगा, क्या बनाएगा वो नॉन मेटल हाइड्राइड, और वही कोवेलेंट हाइड्राइड होता है। चलो इस चीज को नोट करो, एग्जाम्पल को एज इट इज नोट डाउन करो अपने कॉपी पे, अगर एक आध एग्जाम्पल और देखना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस बार बच्चों नाइट्रोजन को ही डाल दिया जाए, चलिए नाइट्रोजन का रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन का रिएक्शन करा देते हैं हम लोग किसके साथ बताइए, आपका नाइट्रोजन कर लेगा रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। चलो बना देगा बच्चों NH3, क्या बना देगा NH3, NH3 जो है बच्चों एक कोवेलेंट हाइड्राइड है, क्या है कोवेलेंट हाइड्राइड है और तो और नॉन मेटल हाइड्राइड भी है। तो चीजों को समझो, मैं एक बार इस चीज को रिवाइज करा देता हूं ताकि आपके दिमाग में स्टोर हो जाए बात क्या मैं बताना चाह रहा हूं। छह प्रॉपर्टी मैंने बताया कि कोई भी नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड दे देगा, चलो हो गया। जिसका नेचर एसिडिक ऑक्साइड होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा ये देखो C+O2 मतलब कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एयर से हमने लेके हमने CO2 बना लिया। एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डालने पर एसिड बनता था, ये चीज समझ लीजिएगा, एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डालने पर वो एसिड बन जाएगा, ठीक है। सल्फर को ऑक्सीजन में डाल दीजिए तो सल्फर डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों एसिडिक ऑक्साइड होता है। अब एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ हो जाए तो देन एसिड फॉर्म बनेगा। ये देखो सल्फरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड था। ये तो प्रॉपर्टी नंबर वन हो गई। चलो प्रॉपर्टी नंबर टू देखो, यहाँ पे नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया जाए नथिंग हैपन। नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नॉन मेटल ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। नॉन मेटल का रिएक्शन ना तो डाइल्यूट एसिड के साथ ना तो वाटर के साथ रिएक्शन होता। जरा समझ लो फिर से एक बार क्यों। वाटर के साथ जब नॉन मेटल रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो है नहीं, जब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो वाटर में से हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होगा। जब हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं हो पाएगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। चीजों को समझो, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन, वही स्टोरी यहां पे भी चलेगी कि नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करा पाएंगे। जब हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस तो बनने से ना रहा, ठीक है। जब हाइड्रोजन भाई रिएक्शन ही नहीं हुआ तो हाइड्रोजन गैस बनेगा कहां से, रिएक्शन होता तब तो हाइड्रोजन गैस निकलता। तो चीजों को समझो, दीज बोथ ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट रिएक्ट विथ नॉन मेटल, ठीक है। चलो नॉन मेटल का अगर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करा दें, वो भी नॉन मेटल का ही सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, जैसे सोडियम ब्रोमाइड है आपका एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसके बाद मैंने क्लोरीन डाला तो क्लोरीन जो है ये मोर रिएक्टिव है देन ब्रोमीन, देन जैसे मोर रिएक्टिव वाला नॉन मेटल क्या करेगा, लेस वाले को डिस्प्लेस करेगा, उसका जगह ले लेगा। ये फॉर एग्जांपल NaCl देखो बन गया Br2 साइड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। आप और एग्जांपल्स को लिखेंगे अपने कॉपी में, मेंशन करेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। नॉन मेटल का अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दें तो नॉन मेटल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, नॉन मेटल क्लोराइड, जो कि कोवेलेंट क्लोराइड होता है। क्या होता है, कोवेलेंट क्लोराइड, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल H2+Cl2, देखो H2 तो मैं एक नॉन मेटल ले रहा हूं, वाकई में Cl2 के साथ रिएक्शन कराना था, तो देखो बन गया ना अपना नॉन मेटल क्लोराइड और ये अपना कोवेलेंट क्लोराइड भी है, ठीक है। चलो उसी तरीके से P4 का रिएक्शन तो PCl3 दे देगा। नॉन मेटल का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ करा दें तो नॉन मेटल हाइड्राइड देगा, और नॉन मेटल हाइड्राइड कोवेलेंट हाइड्राइड होता है। क्या होता है इसका नेचर, कोवेलेंट हाइड्राइड। और देख लो यहाँ पे कोवेलेंट हाइड्राइड में एग्जांपल सल्फर प्लस H2, तो H2S सल्फरस क्या है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड है ये, ठीक है। उसी तरीके से अमोनिया है NH3, ये भी देखो बन गया। तो ये सारे आपके प्रॉपर्टी हो गए कौन से, नॉन मेटल के। अब अगले इस वीडियो के लेक्चर में तो मैं इतनी चीज़ें कवरअप करने वाला हूँ, अनदर वीडियो आपको न्यू टॉपिक पे मिलेगी आपको, ठीक है। तब तक आप इस चीज़ को एक बार रिवाइज करें, एक बार समझें और ध्यान से देखें। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स का यूज़ जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।